तो हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। मेरा नाम है शिवम, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। गाइस, आज का टॉपिक एकदम गजब का रहने वाला है। आज आप लोग को बताने वाला हूँ कि कम से कम टाइम पे कैसे आप लोग बुलेट चलाना सीख जाओगे, और जिसको बाइक चलाने भी नहीं आती वो भी, उनके लिए भी ये वीडियो है। और भाई, जिसको आता रहेगा तो उनके लिए आई होप कुछ सीखने मिलेगा तो अच्छी बात है, वरना अगर मुझसे कुछ गलती हो जाएगी तो आप लोग मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि मुझसे क्या गलती हुई है। तो गाइस, मैं आप चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो गाइस, सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप बाइक चला रहे हो या बुलेट जब भी चला रहे हो तो कभी भी याद रखना, बाइक, स्कूटी या बुलेट कुछ भी चला रहे हो आप, तो बाइक के बारे में सबसे ज़्यादा ज़रूरी जानकारी, इम्पोर्टेंट जो मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है वो जानना ज़्यादा ज़रूरी है कि इंडिकेटर किधर है इसके, और इसके जो लो बीम हाई बीम वाला स्विच है वो किधर है, सेल्फ स्टार्ट किधर है इसके, मतलब कि बाकी के जैसे हॉर्न किधर है इसके, ये सब याद रखना है। ये सब इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और याद रखना है कभी भी देखो आप लोग को दिख, मतलब वहाँ पे लिखा हुआ रहता है, अभी यहाँ पे पास लिखा है तो मतलब पास के लिए रहता है कि अगर आपको किसी को अगर ओवरटेक करने जा रहे हो या किसी से आपको आगे बढ़ना है तो कभी भी उसको मतलब पास दिखाओगे तो आप उसको पास दिखाओगे तो अपने आप साइड हो जाएगा तो आप आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। इसे आपको बता देता हूँ सेकंड पॉइंट, इसमें जो नए क्लासिक BS6 मॉडल में दिया गया है, इसमें देखो यहाँ पे अलग सिस्टम दिया गया है। यहाँ पे कैसा है, पहले क्या होता था, पहले स्विच ऐसा रहता था ऊपर नीचे करने वाला, बट अब ऐसा है मतलब डायरेक्टली जैसे यहाँ पे मतलब स्विच ऑन ऑफ है अभी, ठीक है, इधर करोगे तो ऑन हो जाएगा, जब इधर करोगे तो स्टार्ट होगा, ठीक है। तो आप लोगों को मैं दिखा भी देता हूँ कुछ इस तरीके से। पहले देखो गाड़ी चालू करना है, ठीक है, अपने को थोड़ा वेट करना है, फिर स्टार्ट, अभी डायरेक्टली स्टार्ट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे न्यूट्रल में नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसका एक पहले गियर डाउन करेंगे, हल्का सा ऊपर लेंगे तो देखो हमें यहाँ पे अपना डाउन हो गया, ठीक है, गियर, अब गियर मतलब न्यूट्रल हो गया। तो जब अब इसको डायरेक्ट स्टार्ट करोगे तो स्टार्ट हो जाएगा, देखो इस तरीके से गाड़ी स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो अब ये स्टार्ट हो चुका है, और फिर ना याद रखना कभी भी अपने लिए साइड मिरर बहुत ज़रूरी होता है गाइस, इतना याद रखना, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि देखो जितने भी राइडर्स है, मतलब जो छपरी राइडर की बात नहीं कर रहा हूँ, जितने भी प्रोफेशनल राइडर्स है या जितने भी अच्छे खासे जो बाइकर्स हैं, जो जितने भी मोटो ब्लॉगर्स हैं, ठीक है, और जितने भी बड़े बड़े राइडर्स हैं ना, उनको उनका एक चीज़ आप देख लेना कि हमेशा उनके पास ना मिरर, साइड मिरर जरूर होता है, क्योंकि इस ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर कोई बंदा अभी आ रहा है, जैसे मैं बाइक चला रहा हूँ, ठीक है, अब बाइक चला रहा हूँ तो कोई भी बीच में आ रहा है, मुझे कैसे पता चलेगा कि कोई पीछे आ रहा है या नहीं, तो साइड मिरर से ही मैं देख के पता करूँगा ना। तो ये सबसे मेन चीज़ और मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो साइड मिरर ज़रूरी होता है होना, और कभी भी याद रखना। बात करते हैं अभी थर्ड पॉइंट की, तो ये जो इसका ब्रेक है ना, कभी भी बाइक चलाने से पहले इसको एक बार चेक जरूर कर लेना, आगे का और पीछे का भी ब्रेक चलाकर जरूर चेक कर लेना कि ये बाइक का ब्रेक मेरे बाइक का ब्रेक सही है या नहीं सही है, ठीक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। अब उतर जाते हैं बाइक से, और बात बता देता हूँ आप लोग को कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ एक और फोर्थ पॉइंट जो इसका, कि फोर्थ पॉइंट इसका ये है कि कभी भी अगर आप टायर इसका चेक करके ज़रूर निकलना घर से, कि टायर में आपके हवा कम है, बराबर है या नहीं है, कब की निकलना वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, वरना आपकी टायर कभी भी स्लिप कर सकती है या पंचर हो जाएगा तो आप लोगों को प्रॉब्लम हो जाएगा। ये हो गया फोर्थ पॉइंट, ठीक है। अब कभी भी फिफ्थ पॉइंट की बात कर लेते हैं। फिफ्थ पॉइंट इसका ये है कि आपसे मेन ज़रूरी भी इंडिकेटर होता है, ठीक है। अगर आपको इंडिकेटर, जैसे कोई पीछे से आ रहा है, या अगर आपको आगे मतलब पीछे से कोई आ रहा है और आपको डायरेक्टली आपने इनडायरेक्टली आपने बिना मतलब कि इंडिकेटर दिए अगर साइड हो गए या लेफ्ट हो गए या राइट में कहीं भी हो गए, तो आपको डायरेक्ट गाड़ी ठोकते हुए चले जाएगी, आप भी ठोके जाओगे और दूसरा भी बंदा जाएगा, ठीक है। तो इंडिकेटर भी जला के चेक कर लेना कि इसका इंडिकेटर सही है, वर्किंग कर रहा है या नहीं वर्किंग कर रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके सिक्स पॉइंट की, कि हमारे बाइक का इंजन में ऑयल है या नहीं है, ठीक है। तो अब हमारे इंजन में देखो, हमारे इंजन में अभी ऑयल है। तो गाइस, बात करते हैं अभी सेवन पॉइंट की। सेवन पॉइंट ये है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है हमारा सर, यानी कि हेड, ठीक है। तो हमारे हेड प्रोटेक्शन के लिए हमें क्या चाहिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है हेलमेट, जो कि मैंने लगा रखा है, ठीक है। ज़्यादा कौन सा ज़रूरी होता है ये भी बता देता हूँ। हेलमेट भी सबसे ज़्यादा हमारे लिए वो ज़रूरी होता है जिसमें ISI मार्क होना चाहिए। अगर ISI मार्क नहीं है तो आप प्लीज़ वो हेलमेट मत खरीदना, ठीक है, नहीं तो वरना हमारे लिए हो जाती है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम। और अभी बात करते हैं अभी एट पॉइंट की। तो एट पॉइंट गाइस हमारा ये है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है हमारे लिए RTO का रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो कि उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, उसके बारे में ज़रूर पढ़ लेना कि RTO का रूल्स एंड रेगुलेशन क्या होता है, ये ज़रूरी है सबसे ज़्यादा,
ठीक है, तो उसको ज़रूर पढ़ लेना, फिर उसके बाद ही आप राइड करने निकलना। और अगर आपने ये सब कुछ कर लिया है तो मैं आपको बताने वाला हूँ अब बाइक किस तरीके से चलाए। तो चलिए हम लोग अब मेन स्विच ऑन कर लेते हैं, और ये रहा हमारा सेल्फ। अब इसको सेल्फ ऐसे स्टार्ट कर लिया, अब देखो यहाँ पे न्यूट्रल दिखा रहा है, ठीक है। तो गाइस मैं आपको बता देता हूँ कि मतलब अभी क्लासिक 350 में बुलेट का गियर कैसा दिया गया है, या बाकी स्पोर्ट्स बाइक में भी सेम गियर ऐसे ही दिया रहता है ज़्यादा करके। बहुत सारे बाइक का ऐसे दिया रहता है, बहुत सारे बाइक का अलग अलग थोड़ा सा फीचर रहता है, लेकिन ज़्यादा करके बाइक का मैंने देखा है कि कुछ इस तरीके का ही गियर होता है। एक गियर नीचे की तरफ डाउन की तरफ होता है, और बाकी का गियर चार गियर मतलब पीछे के मतलब कि ऊपर की तरफ होता है। और एक तो मैंने पहला गियर लगा दिया है, इस तरीके से मुझे अब क्लच धीरे धीरे छोड़ना है। इसको क्या बोलते हैं, क्लच बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, ब्रेक बोलते हैं, और नीचे वाले को भी ब्रेक बोलते हैं। तो इतना याद रखना, जैसे अभी मैं बाइक चला रहा हूँ तो अब मैं इसको क्या करूँगा, क्लच को धीरे धीरे से छोड़ूंगा, ठीक है। अब धीरे धीरे देखो मैं छोड़ रहा हूँ तो मेरा बाइक आगे आगे बढ़ रहा है, ठीक है। अब इस तरीके से मेरी बाइक आगे बढ़ रही है, अब ऐसी मेरी धीरे धीरे बाइक बढ़ रही है, ठीक है। अब ऐसे आपको फिर से आपको एक बार बता देता हूँ बंद करके करेंगे वापस हम लोग क्या करेंगे, बाइक ऐसा स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब स्टार्ट हो गई है, फिर से हम लोग क्या करेंगे, ये पहला गियर डाला और ये हमारी क्लच को धीरे, ये क्लच है, ठीक है, इतना याद रखना, हल्का हल्का क्लच ऐसे धीरे धीरे हमको छोड़ना है, और कुछ इस तरीके से आगे बढ़ जाना है, ठीक है। अब ये मैं आगे बढ़ गया हूँ, अब ऐसे ऐसे धीरे धीरे आ रहा हूँ, और दूसरा गियर मुझे कहाँ करना है, पीछे की तरफ, ऐसा मैंने पीछे कर दिया, ठीक है। अब ये देखो मैं धीरे धीरे फिर अब आगे बढ़ते जा रहा हूँ, ठीक है। अब ऐसे थोड़ा दूर जाने के बाद क्या करना है, फिर मुझे तीसरा गियर लगाना है, तो नीचे मुंडी करूँगा, देखो दिखाता हूँ आपको, ऐसा किया और फिर बढ़ गया आगे। मतलब तो गाइस याद रखना, सबसे मेन चीज़ क्या है, अगर आप बाइक चला रहे हो तो आप क्या, जैसे बहुत लोग क्या करते हैं, जैसे क्लच लगाए और क्लच हल्का सा भी नहीं दबाए और डायरेक्टली गियर शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है पता है, जैसे गाड़ी हमारी क्या होती है, इससे इंजन पे प्रॉब्लम आता है और हमारी गाड़ी का इंजन ख़राब होता है, और हमारी जो जल्दी क्लच प्लेट है ना हमारा, बहुत जल्दी जल्दी ख़राब होता है, ठीक है। तो इतना याद रखना, कभी भी अगर आप बाइक चला रहे हो, गियर शिफ्ट कर रहे हो या गियर चेंज कर रहे हो, तो पूरा क्लच ऐसे दबाया और फिर गियर दबाना है, तो हम लोग का मतलब कि गाड़ी इससे ख़राब नहीं होगा और इजीली हमारा गियर शिफ्ट अच्छे से होगा, और हमारी बाइक की इंजन की लाइफ भी रहती है, और बाइक का क्लच प्लेट जो है वो भी हमारा हमेशा बरकरार रहता है और काफ़ी लाइफ टाइम चलता है, ठीक है। तो इतना याद रखना, ये सबसे ज़्यादा मेन चीज़ थी। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अगर कभी भी आप बाइक चलाना सीख रहे हो तो सबसे ज़्यादा सेफ़ रास्ते में चलाना सीखना, जो रास्ता खाली हो। ये जैसे अभी यहाँ पे कम पब्लिक आ रही है तो ठीक है, इससे भी जो खाली रास्ता रहता है, जैसे कभी भी अगर बाइक चला रहे हो या स्कूटी या बाइक या बुलेट कभी भी चला रहे हो, तो कभी भी चलाना तो मॉर्निंग के टाइम पे चलाना, जिससे हमेशा आप भी सेफ रहोगे और लोग भी सेफ रहेंगे, कभी उनको भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इतना याद रखना है, कभी भी मॉर्निंग में चलाओगे तो हमेशा खाली रहता है, तो आपको इजीली चलाने मिलेगा और लोगों को भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो गाइस आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी, और जो नए लोग हैं उनके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो रही होगी। और अगर आप लोग को अच्छा लगा तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर जरूर करना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।